यह है पाठ योजना 5 और विषय है वाणिज्य, प्रकरण है बचत एवं व्यय और यह है इसका फॉर्मेट पूरा। शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, सहायक सामग्री, विधि या प्रविधि, श्याम प्रसार, मूल्यांकन, ये सभी लिखना होगा। सबसे पहले लिखना होगा प्रस्तावना प्रश्न, ठीक है। प्रस्तावना प्रश्न 5 होते हैं और 5वां प्रश्न समस्यात्मक प्रश्न होगा। फिर उद्देश्य कथन और प्रकरण परिचय, इसमें हम बचत के बारे में बताएंगे, तो प्रकरण परिचय होगा बचत। फिर है विकासात्मक प्रश्न, ठीक है, ये है विकासात्मक प्रश्न। ये अगले 4 विकासात्मक प्रश्न है। फोर्थ जो होगा समस्यात्मक प्रश्न है और नेक्स्ट है ज्ञान में वृद्धि, छात्र अध्यापक का कथन आएगा यहाँ पे। इसमें हम बचत के बारे में बताएंगे, बचत क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है और सूत्र क्या है, ये सभी छात्र अध्यापक का कथन में आएगा। फिर ये अगले विकासात्मक प्रश्न, इसमें कुल 5 विकासात्मक प्रश्न होंगे। इसमें कुल 4 विकासात्मक प्रश्न होंगे और प्रस्तावना को लगाकर 5 हो जाएंगे, ठीक है। 4 विकासात्मक प्रश्न और 5वां होगा प्रस्तावना प्रश्न। फिर ये अगले विकासात्मक प्रश्न है, ठीक है। फिर हमारा शिक्षण बिंदु है बचत के स्रोत, ये बचत के स्रोत हैं, ये श्याम प्रसार है और एक मूल्यांकन प्रश्न। ये अगले विकासात्मक प्रश्न है और इनके उत्तर हैं। फिर है अगला शिक्षण बिंदु व्यय, इस शिक्षण बिंदु में छात्र अध्यापक व्यय के बारे में बात करेंगे, व्यय क्या होता है और इसकी परिभाषा लिखेंगे एक, ये श्याम प्रसार है और एक मूल्यांकन प्रश्न। ये अगले विकासात्मक प्रश्न है, फिर आते हैं छात्र अध्यापक कथन पे, इसमें बचत एवं व्यय में संबंध बताएंगे, ये श्याम प्रसार है और ये मूल्यांकन प्रश्न। अगला शिक्षण बिंदु है लिखित व निरक्षर कार्य, इसमें लेखन कौशल के विकास, श्याम प्रसार देंगे, इसमें एक बड़ा सा श्याम पट बना के लगा देंगे, ये श्याम पट है। फिर जो हमारा अगला शिक्षण बिंदु है वो है मूल्यांकन प्रश्न, स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास, मूल्यांकन प्रश्न देंगे इसमें 3 या 4। ये मूल्यांकन प्रश्न है, बचत का क्या सूत्र है, बचत एवं व्यय किस पर निर्भर करता है और इसके उत्तर है। फिर हमारा लास्ट पॉइंट है, लास्ट शिक्षण बिंदु है गृह कार्य, इसमें होगी शिक्षण उद्देश्य, स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास, छात्र अध्यापक छात्राओं को गृह कार्य देगी और गृह कार्य है बचत से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये था हमारा
कॉमर्स का लेसन प्लान। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर।